it, but in front of the dog, he's the female. Is बहने के आपने द्वार खोले हैं अध्ययन समय के बाद वो उच्चर बने कि कहने आओ वो उस आराधना करने का सुंदर अवसर परमेश्वर की कृपा से ही हमने पाए हैं जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अनेक विषयों के बीच में समय निकाल कर प्रभु भवन में अपने आप को लाए परमेश्वर की आराधना करिए। प्रभु आपको खूब आशीर्वाद। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र में। हमारे सामने जो भाग रखा गया है वो सारे परिचित भाग है और आप अतिशीघ्र इन वचनों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम साहब 79 में हम पढ़ते हैं, 79 में हम 11 से पढ़े थे, नहीं 9 से पढ़े थे। हमारे उद्धार करता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर का दास विनती करते हैं कि हे परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, तुम्हारे नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर। हमारी योग्यता के आधार पर नहीं है, हमारी भलाई के आधार पर नहीं है, हमारी खूबी के आधार पर नहीं है, तेरी महिमा के आधार पर उसके निमित्त हमारी सहायता कर। अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को डांप दे। परमेश्वर के दास ये आसम का एक भजन है। ऐसा लगता है कि वो बतुआई में है, वो मंदिर में है, चुने हुए लोग है, आराधना करने वाले लोग है, हालेलुया स्तुति गीत लिखने वाले लोग है, आमेन। आराधना में सबसे आगे खड़े रहकर आराधना को चलाने वाला आसम कहते हमें चुड़ा ले, हमें चुड़ा। अन्य जातियों क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा, अन्य जातियों के लोग कहा करते थे इनके बीच में परमेश्वर है। एक हफ्ते पहले हमने देखा शमूएल बलि चलाते वक्त हमने देखा लोगों को पता चला इनके बीच में परमेश्वर है। उसके पहले हमने एक बार देखा जब संदूक लेकर आया था दुश्मन हिल गए, कांपते हुए कहा कि देखो उनके कैंप में उनके छावनी में संदूक लाया गया है, हम तो मर गए। लोग डरते थे, लोग कहते थे इनके बीच में जरूर परमेश्वर है। लेकिन जब बंदुआई में देख कर बंदर में फंसे हुए लोगों को देख कर लोग कहते कि इनका परमेश्वर कहां रहा, कहां रहा परमेश्वर है तो ये लोग बंदुआई में कैसे, परमेश्वर है तो ये लोग कारागृह में क्यों, बंदी घर में क्यों है, ये संदेह करते लोग। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेने परमेश्वर तू देखो और तुम्हें मालूम होना चाहिए भक्तियों का घराना तेरे कान तक पहुंचे। परमेश्वर का दास जानता बंधन में भी क्यों ना हो, बंधुआई में क्यों ना हो, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता। आमीन। जो बंधन में है, जो बंदी गृह में है, जो कारागृह में है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए आशा का काल है। आमीन। इसलिए आसाफ ये प्रार्थना करता बंधुआई में जाने का कारण अधिक होंगे, मेरी मूर्खता हो सकता, मेरे परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उनकी आज्ञा का लंघन किया, ये हो सकता, मेरे घमंड और अहंकार के कारण मेरे मेरे मार्ग को अपनाया, ये हो सकता। लेकिन परमेश्वर के दास
Let the bones of the prisoners come before you. बंदियों की कराया तेरे कान तक पहुंचे दांत तोड़ने वाले को अपना भुजबल के द्वारा बचाओ. ये परमेश्वर का दास का विनती है. वो कहते हैं ये दांत होने पर है, ये मैंने पॉइंट ना टू डेथ, ये मिटने पर है, ये नाश होने पर है, लेकिन इसका कराहना सुनकर तू उसको चुराए. ऐसी प्रार्थना करते हैं हम. तो प्रभाव 105वां भजन पढ़े थे, उसमें से कुछ भाग पढ़ने के प्रयास से किया. परमेश्वर का दास करते हैं कि ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, उसका दिल में सारे जगत में पूरा किया जाता. आमें ऐसा पूरा किया जाता. उसने इब्राहिम को चुन लिया, अब्राहिम के साथ उसने वाचा बांधा. हमें ही प्रभु ने डिजर्व टू एंटर इनटू अ कॉमन विद गॉड बिकॉज़ ही गेव अप एवरीथिंग ही हैड एट हिज कमांड. परमेश्वर के आज्ञा के सामने उसने सब कुछ छोड़ दिया. उसने उसके एकमात्र पुत्र को वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया. उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, सही किया. लेकिन हम जानते हैं ये एक साल के लिए नहीं था, हजार पीढ़ियों के लिए थे. हमें खुद का क्वेश्चन किया, हमें पता चला हजार पीढ़ी का अर्थ कम से कम 80,000 वर्ष होते हैं. 80,000 वर्ष ये जगत नहीं रहेगा, 80,000 वर्ष दुनिया की इतिहास नहीं रह सकता. उसका मतलब है उसने जो वाचा किया है वो सदा के लिए है. अब यहां परमेश्वर के सम्मुख चला, निष्कलंक जीवन बिताया, कर्मी ठहराया गया, उसके बाद ही सहा खाया. वाचा वादा था, सदा के लिए स्थिर किया. ऐसा वचन के था 105 आप पढ़े हुए थे, वहां लिखा है तेरा वायदा को तूने स्थिर किया है. लेकिन इस हां का यार दोबारा आया, इस वाक के साथ दोबारा उसको दोहरा कर कहा, तेरे साथ में यही वाचा बांधूंगा. हमें स्थिर किया. समय बीतने के बाद वो दृढ़ किया गया. उसके बाद आया एक पुत्र, वो याकूब है. उसके साथ वाचा बांधने के लायक नहीं रहा वो. ये नथिंग इन हिम to entitle him to enter into such a contract, such a covenant. परमेश्वर उसके साथ कैसा वाचा बांधे कहा, उसने याद किया पिता परवेश और पिता अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा था, इस साल के साथ जो वाचा बांधा था वो कुछ भजन के कुछ समय के लिए नहीं था, कुछ साल के लिए नहीं था, वो सनातन काल के लिए स्थिर किया गया. उसने आया याकूब को बुलाया, उसके साथ ये वाचा तो और दृढ़ किया और दृढ़ किया. This is a covenant that becomes stronger as days go by. दुनिया में जितने भी वाचा है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, समय बीतने के बाद वो गीला हो जाता है और वो अलग किया जाता है, वो बदलाया जाता है. It grows through amendments and changes. But here is a covenant that God has made with Abraham, which gets strengthened and strengthened. हमने आज के बाद में देखा कैसा मैं उससे दूर जाने का प्रयास करता, वो मजबूती से पकड़ लेता हुआ. इस आग के साथ उसने दृढ़ किया और याकूब के साथ और दृढ़ किया. His hold on me is so tight and it gets tightened and tightened when I try to loosen myself from his grip. परमेश्वर के पकड़ से मैं अपने आप को आसान करने का प्रयास करता है तो प्रभु दृढ़ता से मुझे पकड़ लेता है. परमेश्वर के दास दाऊद का था कैसा परमेश्वर है. What to do? Do you believe in us? Yes. All the
दाऊद कहता इनकी इतिहास कुछ सुंदर नहीं है, देश देश में वे लोग जाया करते थे और गुलाम बनते थे, कितने राजा लोगों के अधीन में गुलाम हो चुके, कितने बार वो बंधन में फंस गए, अपनी मूर्खता के कारण, पाप के कारण, अपराध के कारण, अधर्म के कारण परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन परमेश्वर सिंह के समान चिल्ला चिल्ला कर कहता यह मेरा अभिषिक्त है, यह मेरा अभिषिक्त है, यह मेरी नबी है, उसको नहीं छूना। बंधन में हो, कारागृह में हो, प्रभु कहता तू मेरा अभिषिक्त हो, तेरी कलागना में सुनूंगा। वहां लिखा है उसने पुरुष को ले आया, वो पुरुष का नाम यूसुफ है। वो लिखा हुआ यूसुफ को ले आया, जान पूछ कर उसको बंदी घर में डालने के लिए और पराया देश में गुलाम बनने के लिए बेचा गया। He was sold. So as to be a slave in a strange land and end up in a prison. हमने देखा उसको बेचा गया। अब देखा इसराइल की तरह नहीं है, इसराइल तो अपने पाप और अधर्म और उसकी पुत्रता के कारण बंधुआई में चले जाता, लेकिन यूसुफ को प्रभु ने बुद्धि से बेचा, बंदी घर में गया। वाले को उसने बहुत पीड़ित किया। कौन कहता? दाऊद कहता। दाऊद एक राजा होने के कारण उसको पता है ऐसे लोग जो बंदी घर में बंद किया जाता है क्या कैदी बनाया जाता है उसके साथ क्या क्या किया जाता है, कैसे सांपों से उसका झटका दिया, कैसे उसको तकलीफ पहुंचाया। हमने देखा इतना सब होता था लेकिन अभिषिक्त अभिषिक्त बनकर रहा। हमने देखा उसमें पवित्र आत्मा निरंतर वास करता, इसलिए वो सपने का दर्शनों का व्याख्या प्रभु से पाता, इसलिए वो आशा नहीं छोड़ता। इसलिए फिरो के सामने खड़ा किया गया तो फिरो कहते इसमें सचमुच परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए यूसुफ का वर्ण दाऊद कहता और कहते राजा ने खुद को देखकर दूधों को बेचकर उनको बंदी घर से बाहर ले आया। अभिषिक्त बंदी घर में बैठेंगे नहीं, आमेन। अभिषिक्त कारागृह में डरेंगे, जाते हैं वैसे वस्त्र पहन कर जाते वैसे वस्त्र पहन कर जाता। राजा को मुंह दिखाया, राजा का देश में पवित्र आत्मा वास पढ़ते हैं ये यूसुफ जिसको उन्होंने गलत इंजाम लगाकर आरोप करके बंदी बनाया था, उसको राजा ने ऐसा उठाया कि सबको वो अपने पैरों के नीचे दबाए। When you get set free,
श्री आसाफ ये विनती करता कराहना सुनी ले। हमने ये कराहना सुनने वाला परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर स्वयं फौरन पर उतर कर आकर मुसलमान करता मेरे मेरे जब जो बंधुओं ही मेरे उसकी कराहना को सुना हो उसको चुरा दे उसको सजा देकर ताकि वो मेरी आराधना कर सके। बंधक मेरी आराधना को जीतने का प्रयास करता बदलाई मेरी खुशी को छीन लेने का प्रयास करता तरा घर से अगर मैं बाहर आए तो मैं हुक्म चलाना बन जाएगा अधिकार चलाना बन जाएगा। हम आगे पढ़ के ही अरे पढ़े न पढ़े थे उसको भूलना गलत है। हम 142 में आते हैं ये तो दाऊद का ही वचन है नहीं वो अनेक चीज कहता है वो तीसरा वचन में कहता है मेरी आत्मा मेरे भीतर व्याकुल हो रही थी। ये बड़ी तकलीफ की बात है दाऊद ये चाहता नहीं है। दाऊद कहता मेरी आत्मा मेरे भीतर व्याकुल हो रहा है वो मेरी स्तुति को छीन लेगा वो मेरी आराधना को छीन लेगा। इसलिए ये तकलीफ देने वाली बात है। क्या चाहिए लाइट चालू करने का वो लाइट जलते नहीं वो जलता ये सब मंजुबाला माइटी है माला माइटना है सब चालू हाँ सब सुन चालू है ना बस इतना ही हमारा काम भाई जैसे आप लोग करते इधर आया बैठा अंत तक बैठा और फिर है वो आपका काम आपका काम आपने किया कि हमारा काम हमें करते थे हमें पता चला मेरे चेहरे का हल पत्ती नहीं है तो वहां दिखाई नहीं देता दांत दांत अच्छे दांत हमने तो ये दाऊद के विषय में कुछ सुने थे पिछले इतवार को नहीं सुने थे क्या सुने थे कुछ नहीं सुने कुछ नहीं सुने। अच्छी बात है कि हर इतवार को जो आप सुनते हैं वो आप याद करके बैठेगा तो मैं बार बार नए चीज क्या बोल सकता। परमेश्वर के दास की बीनती है मेरी प्रार्थना क्या हो रहा है एक सुगंधी वो दाऊद ही था क्या दाऊद था हाँ प्रार्थना धूप मिली उसकी प्रार्थना कल का उस इतवार का विषय वही था उसका विषय ही वही है कि शुरुआत अब उससे किया अगर याद है तो याद नहीं तो कोई बात नहीं हम बहुत सारी चीज भूल जाता है। उसका कल के पिछले द्वार की जो भाषण है उसका आरंभ उससे हुआ मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख एक सुगंधि धूप सा और मेरे हाथ उठाना तुम्हारे सम्मुख एक होमो बलि सा बेचा फिर आपको पता चला वैसा बनने के लिए सजाया जाना अवश्य है। फिर आपने दाऊद के विषय में यह भी देखा उसका लड़का मर गया तो भी उसने वस्त्र बदल कर वो मंदिर में गया और वो आराधना की। इतने बात तो दाऊद के विषय में कम से कम पिछले द्वार को सुनाने का प्रयास मैंने किया है। मैं सब कुछ भूल जाता आपको याद रखता है कोई नहीं बात अभी वही दाऊद कहता है कि पवित्र वस्त्र पहन लोगों के सामने बड़े उत्साह से मैं मंदिर में जाता तो भी अगर मेरी आत्मा बंधन में है तो मेरा मन भीतर व्याकुल रहता तो मैं ऐसे खुशबूदार बलि नहीं चढ़ा सकता। ये मैं नहीं करता दाऊद करता कहां करता आगे जाकर पढ़ेंगे आगे जाकर पढ़ेंगे अब बहुत आगे बढ़ना चाहता है। वो कहते नवा वचन में आया मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है अनर्थकारियों के जाल में से रक्षा कर
नहीं नहीं कहता कि सॉरी माफ करो मैं मेरा एक पन्ना उधर गया मैं साथ में आया साथ में उधर लाउट है ही नहीं साथ एक पन्ना उधर उधर गया माफ करो bring me out of prison that I may give thanks to your name मुझको बंदी कर से निकाल की मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं वो जानता कितना भी तैयारी क्यों न करे कितना भी उत्साह से क्यों न जाए जब तक मेरी आत्मा बंदी कर में है जब तक कुछ चीज मुझे कैदी कर कर रखता है जब तक मेरी आत्मा और मेरे प्राण कुछ चीजों का गुलाम बनकर बैठा है मैं स्तुति नहीं कर सकता लोगों के सामने दिखा सकता अरे राजा गया सब लोग देखता अरे प्रवचन चलाते सब लोग देखता लेकिन वो जानता भीतर अगर बदवाई में आत्मा है तो मैं स्तुति नहीं कर सकता ये राजा को किसी ने बंदी बनाया है नहीं वो कहते मेरी आत्मा को bring me out to the present hallelujah मुझको बंदी घर से बाहर निकाल कि मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं खादर की मेरे को चार बोर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा परमेश्वर का दास है तू उसको उस चीज का अच्छी तरह जान लिया जब तक मेरी आत्मा बंधन में है जब तक मेरी आत्मा व्यक्ति होने के कारण नाराज होने के कारण पराजय के कारण नास्तिक के कारण गुस्सा के कारण घमंड के कारण अहंकार के कारण और रुढ़ता के कारण ईर्ष्या के कारण कुछ भी कारण क्यों न हो अगर मेरी आत्मा बंधन में है लगेगा अच्छा वस्त्र पहना हुआ है अच्छा वस्त्र स्तुति और आराधना है भला काम है ये सब आपने देख लिया आपने नहीं समझेगा तो माफ करना मुझे समझाने को नहीं आता आप अच्छे काम करते हैं आप खुश दिखाई दे रहा है कितना भी वस्त्र के विषय में हमने पिछले इतवार को सुने थे वैसे सब कपड़ा पहना है बाकी जो चीज है दुनिया के सामने प्रकट नहीं होता ये एक मन की बात है मेरी आत्मा की बात है वो बंधन में है परमेश्वर का दास ये जानता इसने कहा bring me out of prison so that I may burst into real genuine praise वो कहता मुझे ये कारागार से बाहर ले आ मेरी आत्मा को ये बंदी घर से बाहर आ बहुत हुआ दिखावट बहुत हुआ मैं बहुत कुछ करता था मैं आपके ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास बहुत सालों से कर रहा है अब मेरी आत्मा कहते I refuse to be in prison yes. I refuse to be a slave get me out of this place set me free that I may be found into real praise and worship पर मैं सबका दास कहते मुझे इससे बाहर दिखाओ मुझे बंदी कर में नहीं रहना है मुझे बंदर में नहीं रहना है मैं स्वतंत्र होना चाहता ताकि मैं तेरी आराधना स्वतंत्रता से खुशी से पवित्र आत्मा के भरपूरी से कर सकूं मुझे लगता है स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड सुंदर मंदिर बन गया है वे भी तैयार किया गया है दीवार को बांध लिया है जलाया गया दरवाजा ये तुम्हारा पिटाया गया है खुशी और आनंद का वस्त्र पहना है जैसे नेहमिया ने कहा रो मत लेकिन पीछे कुछ कुछ बात मुझको बंदी बना के रखा है वो ऐसे संकेत है वो ऐसे एक भाई है वो एक स्मरण है एक मेमोरी विंटर मेमोरी दैट टॉर्मेंट्स माय हार्ट भविष्य के बारे में जो एक्साइटी है कुछ तो जो प्रस्तुति करता जब मैं आराधना करता जब मैं वंदना करता मेरे प्राण को व्याकुल करके पत्र में फंसा देता है उससे मुझे बाहर ले आ
परमेश्वर का दास ये चाहता पूरी तैयारी होने के बाद भी सारी चीज सही जगह पे व्यवस्थित किया जाने के बाद भी जैसा हमने ये एलिया के हाथ से सीखा था, जैसे उसने वेदी को तैयार किया, ये सब चीज के बावजूद जैसे उसका मन व्याकुल हुआ, वो बदतर में फंस गया। उसकी स्तुति और आराधना उससे छिप गया। आज प्रभात में आप देखे जब ये लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए थे, लाल समुद्र को पार किए थे, कितने उत्साह से वे स्तुति आराधना करते थे, ढोल बजाते थे, ताल बजाते थे, नाचते थे। जब कभी बंदर में फंसता, स्तुति छीन लिया जाता, आराधना नष्ट था, दुश्मन राज करना लगता, जो बंदर से बाहर आते वो दुश्मन को अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं, जो प्रसंग से मंदिर फिर से बाहर आता वो हुकुम चलाता है। उसमें परमेश्वर का दास की विनती है, परमेश्वर का दास क्या विनती करता, मुझे बंदी गृह से निकाल, मुझे बंदी गृह से निकाल, मुझे तेरा नाम कदर से बात करो, कभी तक भी लोग मेरे चारों ओर आए कि क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा, कब दुनिया देखेगा नहीं पूछेगा। इन लोग का परमेश्वर कहा, लोग आएंगे जमा हो जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर तुम्हारे बीच में, हमारी बनता है, हमें जाना है, कोई प्रति में जाना है शायद, हाँ 40 लोग जाएंगे जाएंगे तो बहुत जल्दी जाके वापस आएंगे, ज्यादा कुछ अब पढ़ना है हमको, पढ़ना नहीं है 15 वर्ष पढ़ना है, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुना कर लाया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागृह में डाला जाऊं। मैं कौन कहता, यूसुफ कहता, ये यूसुफ ही कह सकता, यूसुफ को घात करने के लिए, मिठाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए बेच डाला गया, he was sold। लेकिन यूसुफ कहता बंदी कर में रहने के लायक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। I don't belong to this place। परमेश्वर का अभिषिक्त कहेंगे मैं कारागृह के लिए बनाया गया मनुष्य नहीं है, मैं बंदी गृह में रहने के लिए चुन लिया गया पुरुष नहीं है। हालेलुया, उसने नहीं माना, उसने ये बंधुआई को पराजय नहीं माना, उसने ये बंधुआई को उसकी आत्मा को छीन लेने को नहीं दिया, इसलिए वो परमेश्वर से पाते रहा। Blessed is the one who never gives up, who never looks down upon the anointing and the calling that he has received। हर धन्य है वो मनुष्य जो अपने अभिषेक को अपने बुलाहट को तुझ नहीं मानता, उसने कहा, I do not deserve to be in the presence। Dearly beloved,
chosen by the Lord from time to immemorial, sealed with His Holy Ghost, washed in the blood of the Son of God. You and I do not deserve to be imprisoned even for a split second. Aga pal ke liye bhi, aga pal ke liye bhi, bandi bandar rehne ke liye, Prabhu ne hame nahi chun liya. Yes, Lord. Amen. हमें खरीदी है हाँ yes, Lord. बेचा नहीं है खरीद लिया गया है आप हमने ही बढ़ती कर दे रहे yes, हमने आज प्रभात में देखा ये सब चीज ज्यादा समय के लिए नहीं है yeah. बंदी घर में रहना ज्यादा समय के लिए नहीं है इसलिए यूसुफ कहता इतना सब होने के बाद भी उसका हिम्मत देखो yes, Lord. वह कहते I don't deserve to be imprisoned. मैं ये कारागृह में रहूंगा नहीं हमारे घर का एक वचन और उसमें से पढ़ते हैं हम 41 में आते हैं उसमें से सिर्फ एक वचन पढ़ता तब फिरौन ने यूसुफ को बुलाया भेजा और वो चटपट बंदी में से बाहर निकल आया और बाल बदलवाते और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया दो चीज की है दो चीज उसने किया क्या क्या किया बाल बनवाकर और वस्त्र पहनकर आपने आपके सजा कर फिरौन के पास गया फिरौन ने बुलवाया आमीन आपने आज पर बाद में सुना अगर आप सिद्ध कारागृह में है तो भी राजा दूत को भेजकर बुलवाएगा आमीन ओ राजा ने बुलाया वस्त्र बदल कर और तैयार महिला वस्त्र ना वो बदल कर वो जेल का नंबर वाला वस्त्र 51 नंबर का उसका वो बदल के ये अच्छा वस्त्र पहन वस्त्र बदल के यस लॉर्ड हाँ नहीं यस लॉर्ड फिर वो सामने खड़ा रहना था हमें पता चला मैं कभी कभी किसान आ रहा के बाल क्यों बना था ऐसे फिर लोगों के सामने खड़ा देना तो बाल देना समझ गया कुछ लोग सोचते हैं अंदर ही हो जाता कुछ लोगों ने बोला कि वह बाल वाला ना बना है तभी मैं कर बनाता क्योंकि फूलों के सामने खड़ा रहना है तो फिर वो इतने क्रूर दिल वाले बुलवाया जाएगा हाँ प्रभु If you do not forget your calling and your anointing, आपका बुलाहट और आपका अभिषेक को आप नहीं भूलेगा परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर कहता मेरे अभिषेक को नहीं छोड़ेगा yes. मेरे नबियों को नहीं सताने का ये परमेश्वर का आदेश है बुलवाया गया नहीं आया और एक वचन पढ़कर उधर से अतिशीघ्र बांधेंगे हम 38 वचन पर इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है कैदी को देखते एक पल पहले वो कैदी था कारागृह में था लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हुआ क्या मैं मिला और ये तो खाओ सुनो Whatever be the situation that you're going through, however fierce the battle may be, however frustrating your experience could have been, never doubt the Spirit of God. Our stuff kitna bhi kathin ho, ladai kitna bhi kathin kyun ho, पराने कितने भी भार क्यों हो अपनी आत्मा को उजाला नहीं उसने तिमोथी को बोल उसने कहते हुए अपने पिछली द्वार को सुना फिर आपने कड़े से तुझ में जो वरदान है जो अभिषेक है उसको विचलित करते मेरा बिना आप प्रिसन नो प्रिसन आशा रखकर पुनर्वह बुलावा आएगा हमें बुलवाया जाएगा हमें
और खुश है, ये कबूल करेगा कि इसने परमेश्वर को अपना यस लॉर्ड इतना उच्चा उठा कि सारे शक्ति सारे हाकिम सारे गवर्नर सारे प्रभु लोग सब उसके पैर के अति हो गए। यस लॉर्ड coming out of prison makes it possible. जब बंदीगर से बाहर आता ये सब संभव होता। Amen. Oh, brother. Hallelujah. Yes. Hello. परमेश्वर के संत हो बंदे में रहने के लिए बुलाया गया इंसान नहीं है। Do not ever compromise, sir, with your present and present experience, sir. कारागृह और कारागृह की जो अवस्था है उसके साथ कभी आपका सहमति नहीं देना। Yes, Lord. सहमति नहीं देना। Reject it, oppose it, stand against it. Yes. उसको विरोध करो, उसके खिलाफ करो, उसे घृणा करो। Yes, Lord. अब आगे बढ़ते हैं। ये जब देख रहे हैं दाऊद का संतान है हमसे कुछ कहते हैं वो क्या कहते हैं अपने सुलेमान साहब है सुलेमान राजा कहते हैं है तुम्हें थोड़ा बुढ़ापन में कुछ गलती कुछ किया है लेकिन ऐसा कहो कि आप लोग बिल्कुल मेरे को देखते ही नहीं है और कुछ पढ़ता नहीं है ऐसे उसको बड़े कंप्लेन तो मैंने सोचा कि सुलेमान बड़े ज्ञानी है ना उसको क्या कहना है वो हम सुन लेते वो कहां पढ़ने को मिलता 4:13-14 तो पढ़िए ना सब बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे चाहे वो उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदी गृह से निकल कर राजा हुआ हो से निकल कर गरीब लड़का राजा बनते हुए उसने देखा है जहां महान लोग मिट जाते हैं जहां लोग तो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं खत्म हो जाता है अनजान लड़का ऐसे करीब अवस्था से आता और बंदी कर से छुटकारा पाकर राजा बनता हमें उन सबकी कहानी से थोड़ा मिलता जुलता यस लॉर्ड अरे ऐसे पराया देश से आता गुलाम बनकर जीतता गलत आरोप के कारण बंदी गृह में समय उठा था वहां से आकर राजा बनता yes. हाँ सुलेमान ने ये बात को देखा है सुलेमान ने ये बात को देखा है yes, Because he refused to be the person seller. Because he refused to accept this as his permanent home. Hallelujah. इसलिए कि उसने पति को स्वीकार नहीं है ऐसे पति पर रहने का वो धीमत उसने सम्मति नहीं दिया समय नहीं दिया हमें हाँ सम्मति नहीं दिया सम्मान राजा बनता हमें किसके लिए राजा बना हो 105 में पढ़ते हैं जैसे दाऊद ने कहा सारे लोग मेरे पास आए जो भूख से मरने पर थे मिटने पर थे उन सबों को लेकर आकर वर्ष वर्ष में अपने साथ बिठाने के लिए इसलिए दाऊद ये विनती करता मेरे प्राण को बंदी घर से बाहर निकाल ताकि मेरी आराधना सच हो जाए
अमीन अपने आगे बाद में देता है उसका उल्टा पिता जी आपको जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा प्रिंट किया था वहां राजा फिरो के रथ में बड़े धूमधाम से राजकीय वस्त्र पहनाकर लाया जाता और उसके हाथ डाकर वो राजा के सिर पर रखकर उसको आशीर्वाद ये स्थापित करते हुए ये कंगाल लड़का ये बंदी था कैदी था इसका पिताजी वहां के महाराज से भी बड़ा है इसलिए वो उसको आशीर्वाद कर सकता है जैसे परमेश्वर मदद करता बड़ा छोटा को आशीर्वाद करता हां प्रभु यह मैं बंदी करने नहीं रहूंगा बेकार आकर होने नहीं रहूं सारे चीज के बहुत जरूर है वो बहुत बड़ा खतरा है कि मेरी आत्मा विषाद व्याकुल और दुख के मारे या नाराशी के कारण या खुद को श्राप देते हुए भक्ति कर में बनी रहता तब दुश्मन मनमानी करता दुश्मन मनमानी करता जब मैं बंदी में से बाहर आता मैं राज करता हमें परमेश्वर को जब तक बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हमें जाना कहाँ ऐसा हमें करना है हमें इसे यहाँ पहले हम 21 सर 51 में जाते हैं वहां कहता है मैं ही तेरा संगीत दाता नहीं ऐसा आकाश को ताजने वाला पृथ्वी के नींव को डालने वाला भेदो ये परमेश्वर के विषय में दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर है उसका परमेश्वर सारे पृथ्वी में चलता चलता है इस्लाम हाँ पत्नी शीघ्र की सदत किया जाएगा हुक्म है आमेन आमेन एक साधारण राजा नहीं करता वो क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड हेवन कहता है पत्नी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा जो चाहता वो स्वतंत्र किया जाएगा हमें द वन हु डिसायर्स टू बी रिलीज्ड टू बी सेट फ्री शल बी सेट फ्री इमीडिएटली सेस द लॉर्ड शीघ्र ही पति शीघ्र स्वतंत्र किया जाएगा स्वतंत्र किया जाएगा हमें वो कभी भी ना मरेगा कभी भी नहीं मरेगा किसने कहा तुम कभी भी मरेगा वो कभी भी ना मरेगा नहीं मरेगा हमने आज और भी कुछ पढ़ा था नहीं हम ये प्यार से कुछ पढ़ा था ये सब चीज इधर लिखा नहीं होगा लिखा है 38 अध्याय में नहीं लिखा है नहीं लिखा है कोई बात नहीं है यिर्मयाह हम 38 से पढ़े थे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यिर्मयाह पर परमेश्वर का अभिषिक्त दास और नबी उसको ऐसे घंटे में गिराया गया किसके लिए मारने के लिए गिराया गया उसको वो मारा नहीं हाँ 30 जेब को भेज कर उसको उभारा वो मरने पर था हाँ वो मिटने पर था उसको दूसरे पर परमेश्वर के पद से बोलने के कारण परमेश्वर के दबाव के बने रहने के कारण उसको ऐसे खड्डे में डाल दिया जहाँ कोई सूरज के किरण भी नहीं पहुंचता वायु नहीं मिल पाता वहां और ये पत्थर मारकर उसको बिठाना चाहा लेकिन वो परमेश्वर का अभिषेक आमेन यस हालेलुया उसका वर्णन वो करता विलाप गीत में हमें इधर लिखा नहीं होगा कोई बात नहीं विलाप के गीत में तीसरा अध्याय में ये भी आप स्वयं करता उसके साथ क्या हुआ नहीं हाँ वो कहते हैं मुझको उन्होंने ऐसे घंटे में डाला yes. पत्थर से मुझे खत्म करने को चाहा फिर क्या हुआ हे जो गहरे
जड़ में से मुझे तूने प्रार्थना किया और तूने मुझे उबार लिया। करा हरा सिंह वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पापियों के समंदर में फंसते कोई सांप की अवस्था नहीं है। पापियों की का राहत प्रेम की जो अनुभव है वही अवस्था आपका नहीं है। मेरे कुछ किया नहीं।
अपनी अपनी गुफा छोड़कर बाहर और हम अपने आप को छुपाने वाली बात है, लेकिन कैदी बना था दुश्मन। मैं अपने आप को गुफा में छुपाने वाली एक बात होती है, दुश्मन के पद से ही मुझे बंदी बनाने की बात अलग होती है। उसके साथ उसने ऐसा किया, पत्रस के साथ उसने ऐसा किया, वो लोग आवाज होकर किधर उधर नहीं गए, उसको पकड़ा, पत्रस को पकड़ा, उसे कोई सा दान नहीं है, उसको कोई गलती नहीं है, चतुर पैसे का मुझे भी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको सब लोगों ने उसका तिरस्कार किया। हमें This is my favorite, and I will go through it as a Mehika. I reject it, I resist it, I don't deserve it. And I hear about the Hameh. This new, what do you say, Mehika? Elia, to ek kaam kare. To atyare se bahar mo dikha. गुफा से बाहर चला दिखा हमें ऐसा ओ प्रभु हाँ नहीं बिकाओ ओ हाँ वो तो कार में से खा अब वो जो बात है बात पर खा चेहरा दिखाओ हमें तो आज गुफा से चेहरा दिखाएगा जो आज बंदी कर में से ये कहावत सुनाएगा कि मैं उसको स्वीकारता नहीं है आपके पल के लिए भी मेरे बंधन में नहीं रहना चाहता वो छुटकारा पाएगा हम आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं तो कुछ लोगों का लगेगा कुछ छुट गया शायद अगर छुट गया करके मुझे लगेगा तो मैं वापस भी आ सकता हूँ कुछ बोल नहीं सकता आप जाते चकरिया के पास आज बहुत शीघ्र गति से चल रहा है नहीं हम चकरिया में हैं सवा वचन में आ बिना जल के घंटे में से उबार लिया कौन करता क्या करता क्या कारण है मेरी वाचा के लबों के किसको पता है उसके वाचा के लबों के बारे में यीशु ने बताया सैकड़ों वर्षों के बाद यीशु कहा यह पिलो यह मेरी लबों में मेरी वाचा जकरिया तुझको कैसे पता है नहीं ऐसा प्रार्थना करता सब प्रार्थना करता तेरे निमित्त करो तेरी नाम की महिमा के निमित्त करो हम योग्य नहीं है हमें मेरे साथ गलती भी किया होगा इसके योग्य में बच चुका होगा लेकिन तेरा वचन का लहू है उसके कारण नहीं है मेरे बच्चों को बिना जल के घंटे में से उबार दिया है साथ बिना जल के गड्ढे प्यासा और भूखा मिटने का स्थल वो है बिना जल के गड्ढे वहां से मैंने उबारा अमीन मेरी पवित्रता देखकर नहीं उसके वाचक लव के अमीन प्रभु हे इस्लाम आप लोग इसलिए जो सबके समान मैं भी बोलूंगा I don't deserve to be here क्योंकि कीमत चुकाया गया अमें लहू बहाया गया है अमें अगर आपको जेल में देखता और बोलता इतना रुपया आ इधर भर्ती करो क्या भरने का भरना तभी चुकेगा तो किसी ने भी वो भर दिया है तो मुझे जेल में रखने का अधिकार उसको नहीं है अमें हाँ इसे मैं इसका विरोध करता हूँ। इसे मैं इसका विरोध करता हूँ। भाई इसे स्वीकार
उपहार दिया आमीन ये आशा तारे हुए पत्तियों करके वो फिर हो पत्तियों में दो टाइप के लोग होते हैं एक तो आशा तारे हुए पत्तियां होता है और दूसरा नाराशी में अपने आप को डुबाने वाले पत्तियां होता है अगर आशा रखने वाले पत्ती हो तो काम बहुत आसान फेरली The moment you turn, you will get into a mighty fortress. They say, "Up, वहाँ के मुंह फेर कर किस पर देखोगे? आप बड़े मजबूत घड़े वाले शहर में आप प्रवेश किया जाएगा। अमीर, हाँ मैं। अल्लाह। हाँ। घर के और फिर you will get into a stronghold. आप मेरे को ऐसे गुरु की क्यों देखते ऐसे नहीं लिखा है गढ़ की ओर फिरो गढ़ की ओर यस इफ आई टर्न माय फेस अवे फ्रॉम माय प्रिसेप्ट आई एंटर इनटू अ माइटी स्ट्रॉन्ग होल्ड जब मैं बंदी के खिलाफ मेरा मुंह फेरता मैं मजबूत गढ़ में अपने आप को पाता हमें हाँ प्रभु यस यस लॉर्ड बड़े परिश्रम की बात नहीं है नहीं प्रभु यस लॉर्ड सेट माय स्पिरिट फ्री का मतलब यह है पति कर से परमेश्वर के कल में यस प्रवेश कराएगा हमें उसको क्योंकि मेरे बाकी सब आप पढ़ो बहुत कुछ है इसमें नहीं धनुष के समान यहूदा को जलाकर उस पर तीर के समान एफ्रेम को लगाया वो सब चीज है उसमें हमें एक बार पढ़ा भी है मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध दुबाऊंगा और उन्हें वीर की तलवार से कर दूंगा किसको सियोन के निवासियों को आप इतनी जल्दी कैसे थक गए इतना समय नहीं हुआ शायद मैं बड़े अभिषेक की पूजा में नहीं करा इसलिए आप लोग इसे माफ करो मेरा ही गलती है कहते हैं सियोन निवासी एक पल पहले बंदीगृह में था निर्जल खड्डे में मरने वाले थे बंदी घर में बेसहारा होकर नाराशी में पड़ने पर था उन्होंने जब मुंह फेरा तो वो ऐसे तीर सा बनता वो वीर सूर्य योद्धा की तरह लड़ता किसके खिलाफ यूनानी के विरुद्ध में पूरे विश्व के ऊपर हुक्म चलाने वाला यूनानी के विरोध में खड़ा रहने के लिए बंदीगर से बाहर आने वाला अभिषिक्त काफी है ऐसा प्रभु का वचन कहता आमेन हां प्रभु Is not. Why did you delay this, O Lord? Why did you not launch me even before the losses cause? You had not turned your face against your prisoner. आत्मा जब आह्वान दे रहा है
इस बंदी बनाया गया। हाँ वो सबसे पीछे बैठने वाले को सुनाई दे रहा उसके पीछे, इसलिए आप लोग सो नहीं सकता है। मैं सोच रहा हूँ सोते क्यों नहीं है, क्योंकि आवाज हुआ तो कौन सा यीशु बंदी बनाया गया, पकड़ा गया है, वो बेसहारा इंसान की तरह पकड़ा गया। कितनी अदालत में गए, एक के बाद एक के बाद हो गए, जाता है ना उसके पास जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, पिलातुस के पास जाता है, उसके बाद वो हेरोद के पास जाता है, दोबारा वो आता पिलातुस के पास। कितनी बार, कितनी अदालत हो, कितने बंदी कर गए, बंदी सारे सिपाहियों को पकड़ा, पिलातुस पूछता सबसे नकार नीचे एक कुकर भी है इधर, उसका नाम बरप्पा है, उसको ले क्रूस पर चढ़ाओ और इसको स्वतंत्र करो। वो कहते नहीं, बरप्पा को छोड़ो, हमें बरप्पा बंदी घर से बाहर आएगा अगर यीशु क्रूस पर अपने आप को लिखाए मत हो। निर्णय हो रहा, स्वर्ग का निर्णय हो रहा, क्रूस पर लटकाने के लिए
2000 तक के उपदेश लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीव तक के बीच में से उठा दिया गया, मेरे हिंदू में क्या प्रार्थना तो कम उस पर मार पड़ी है। He was in the center, so that I may be set free. वो बत्ती कर, वो बत्ती हुआ, ताकि मैं स्वतंत्र किए जा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, हमें जाना है लुका में लिखा लिखा है क्यों नहीं हाँ चार अप्रैल लिखा है ये लुका क्यों कर रहे हो इस्लाम मेरे लगता है उसको कोई जरूरत है चार का अप्रैल क्या कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है आपने या आपने ऐसी आवाज़ पढ़ा था लेकिन मुझे पता नहीं कि वो यीशु के विषय में ये कह रहा है और किसी के विषय में यीशु अगर कहता मैं आया तुम्हें बंदी कर सकता हूँ मैं आने के लिए आया yes. I come to set you I come to take you out of your prison से हम कहां से पढ़े थे 34 यीशु ने उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है दास सदा घर में नहीं रहता पुत्र सदा रहता है जो पाप का दास है वो पाप करते आया वो पाप का दास है वो घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र सदा रहता है सदा आमीन अगर मैं पुत्र बनूं तो मैं घर में रहूं आमेन आमेन मैं पुत्र बनूं तो मैं घर में सदा आमेन हमारे गांव में एक आदमी था उसके नाम बहुत अच्छा नाम नाम नोबल बहुत अच्छे बड़े अच्छा नाम बहुत हैंडसम आदमी क्या बड़े खूबसूरत पट्टा पट्टा बॉडी बिल्डर ऐसे चलता वो अपने सलमान खान के जैसे शर्ट नहीं पहनता वो ऐसे चलता दिखाने का जरा सलमान खान के जैसा बॉडी नहीं है वो तो बड़ा बॉडी है उसका सलमान खान इतने ह्यूज नहीं है ना एक जर्मन पीढ़ी की है जर्मन का एक तो लड़का है जर्मन में गांव में आया था ये लड़की और इसे शादी किया तो उसका बच्चे का बच्चा है तो और मैं आप बचपन में मुझे देखता तो हड्डी एक स्केलेटन कोयला की तरह दांत तभी भी सफेद अभी भी सफेद ये नोबल है उनका खर्चे में डूबा हुआ है एक इंसान एक दिन 35वां बरस में जाके खुदकुशी कर ले बुद्धि की बात उसने खुदकुशी करने के लिए जो रोक रस्सी रस्सी बांधा ना को टूट के और गिरा फिर उसका पैर टूट गया क्योंकि वो इतने मोटा है ना फिर एक तक जा रहा रस्सी लगके जो बड़े बड़े लॉग मतलब लकड़ा बड़ा बड़ा लकड़ा देखा है ट्रेन ट्रक में सब लेकर उसको खींचते हाथी खींच के उसको ट्रक में ही बिठाते ना उसके लिए जो रस्सी है ना
वो रस्सी से उसने अपने आप को खत्म कर लिया। क्यों? वो बात मैं कैसा भी दिखता गंदा दिखता कालिया है हड्डी चमड़ा है लेकिन मैं पुत्र होने के कारण मैं घर में रहता है और लोग बहुत सुंदर है ऊंचा है लंबा चौड़ा है लेकिन वो पुत्र नहीं होने के कारण वो सड़क का होने के कारण सड़क में बिकता हो मेरे प्रियो पर उसको पुत्र कहता है मैं पुत्र हूँ मैं घर में वास करता और
उसमें है आठ का दो है कहते क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने बस यीशु ने मुझे पाप के और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है क्यों यही मत है इसलिए कि पाप और व्यवस्था की गुलामी से परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर के पुत्र की व्यवस्था ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है यस लॉर्ड अगर कल कोई आकर दरवाजा को पकड़ के बोलेगा तूने तीन हत्या की है चार गर्भ दलाया है मासूम बच्चे लोगों के साथ बड़ा बड़ा खेला कर दिया है इसलिए तुझे बंदी घर में हम बंद करेगा मैं बोलूंगा यीशु मेरा जगह दे दिया है मैं स्वतंत्र हुआ कहानी है कि बड़ा बाजार को प्रभु का महान सेवक बना और प्रभु ने महान कार्य उसके द्वारा किया ऐसे इतिहास में लिखा है जो सिर्फ उसका मतलब बड़े इतिहास लिखने वाला आदमी और उनके लिए पुस्तकों में ये बात कितना मैंने भी जानता लेकिन एक बात पक्का है बड़ा बाबा कभी नहीं भूलेगा अभी बड़ा बाबा बदन पे रहने ही रहेगा हालेलुया प्रभु ने हमें स्वतंत्र बच्चे लोग आएंगे तब मेरा स्पीड बनता था हमेशा देखा हर इतवार को जो बच्चे लोग आते हैं तब मेरा स्पीड बढ़ते है उनके लिए इंतजार करते आप अध्याय में आया सब नहीं बोलने का करके मुझे बहुत बार उपदेश मिला है मसीह ने जो हमारे लिए शापित कर हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से चुराए जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो शामिल है ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुई है यीशु ने अपने आप को श्रापित कर दिया ताकि हम श्राप से छुटकारा पाएं वहां लिखा है जो तो बाद में हमने सुना और आज इधर आकर हमने दोहराया जो वचन वो प्राण को सख्त बांधता था जो उत्साह को सख्त बांधता था जो वाक्य को सख्त बांधता था जिसको उसने इसराइल के लिए नियम बना के रखा था वही नियम मेरे साथ उसने दृढ़ किया है आमेन आमेन आज आरंभ किया गलत नहीं किया 105 गलती से नहीं परमेश्वर की आत्मा कहता है ये सब सच है लेकिन आप अगर बढ़ते नहीं जाओगे तो दास और आप में कोई भेद नहीं स्वतंत्र किया गया श्राप से विमुक्त हुआ उसने मोल देकर खरीदा लेकिन मैं शिशु बनकर ज्यादा फर्क नहीं है नहीं दिखाई देता जेल मेरे बच्चे लोग हैं ना छोटे छोटे शिशु लोग हाँ के साथ वो लोग दूध पीते हैं वो लोग खेलता है वो लोग सोता है मैं जेल नहीं 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 गया मैं जेल में गया जेल में खाता जेल में गया मैं कई साल पहले जाया करता था खेलते गीत गाते खाना खाते
चार में फर्क नहीं दिखाई देता वो शिशु वो जो बड़ा होता जेल में जो बड़े लोग हैं ना और बाहर जो बड़े लोग हैं बहुत सारे हैं सही है। अगर मैं शिशु बनकर रहता इतना कुछ यीशु ने किया तो भी ज्यादा फायदा नहीं है। माफ करना आपके नीचे बैठने वाले लोग जो बहुत दूर बैठते हैं, इसलिए मुझे स्वतंत्र भी होना है मुझे पढ़ना भी। स्वतंत्र किए जाना एक बात होती है, पढ़ना एक बात होता है। जब मैं पढ़ूंगा तब मैं तीर के समान चलाया जाएगा, मैं यूनानी के खिलाफ तरह रहूंगा, मैं दुश्मन को मेरे पैरों के अधीन कर दूंगा, मैं मेरे वैरी को बंदी कर सकूंगा। आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें आह्वान देते हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें आह्वान देता है कि हमें आगे बढ़ना है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, जब पुत्र हुआ परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, पुत्र तो पुत्र के समान रहने का। आमीन। पुत्र है तो पुत्र के समान रहने का। पुत्र कहते कि ये मेरे लिए नहीं है, पुत्र कहते मैं इसका लायक नहीं हूं, मैं पुत्र हूं। दूसरा लड़का वापस आया, उसने अपना करके मंदिर में खाना खिला के तो खाएगा क्या? नहीं प्रभु। बोलेगा मैं पुत्र हूं, मैं खोया गया था, मैं भार पाता, मैं कुछ भी था, मैं पुत्र हूं। I refuse to be a prisoner. I refuse to be a slave. मैं गुलाम नहीं, मैं नौकर नहीं, मैं दास नहीं, मैं पुत्र हूं। आमीन। स्वतंत्र किया हुआ इंसान स्वतंत्र से आसानी में चलना चाहिए। वो आसानी में चलता वो स्वतंत्रता का फायदा उठाता। आमीन। देश ने जो भी किया वो एक कहानी बनकर रहेगा। जब मैं स्वतंत्रता में चलेगा, इसलिए वचन कहता स्वतंत्रताई क्रिस्तु ने स्वतंत्र राखी आदिनादि उरच निर्पिन आदिमनमति पिने कुड़ी पाए। प्रभु ने स्वतंत्र किया है, हम अभी गुलाम नहीं बनेंगे, हम गुलामी में नहीं जीवन काटेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हम पुत्र है, पुत्र है तो वारिस है, वारिस हुकुम चलाते हैं, वारिस जय पाते हैं, वारिस लड़ाई लड़ते हैं, वारिस अपने पूरा संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम इब्रानियों में आए, इब्रानियों में आकर दूसरा अध्याय का 14 से हम पढ़ते हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो आप भी उनके समान उनके सहभागी होंगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इतने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उन्हें चुना, हमें चुनाने के लिए। सबसे अंतिम दुश्मन कौन है? मृत्यु से, उसका भय से भी हमें चुना, शैतान के दासत्व से हमें चुराने के लिए वो बिल्कुल हमारे समान बन गया, हमारे समान बन गया, मेरे समान बंदी घर में गया, मेरे घर में मेरे समान पकड़ा गया, मेरे समान पीड़ा सहा, कई गुना अधिक सहा, ताकि 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 हम सहता न रहे। मेरे समान बन जाने से वो मेरा जगह ले सकता, वो बारबा के समान बन गया, इसलिए बारबा छूट गया। आमीन आमीन। अपराधियों में गिना गया, सारे अपराधियों में सबसे प्रमुख अपराधी बन गया, इसलिए बारबा छूट गया। आमीन। बारबा स्वतंत्र। आमीन।
मेरे समान बन गया, नहीं और वो बिल्कुल मेरे समान बन गया, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों में नहीं है, अब्राहम के वंश को संभालता स्वर्गदूतों को बचाने के लिए छुड़ाने के लिए वो नहीं आया है। हालेलुया, इस कारण तो चाहिए था कि वो सब बातों में अपने भाइयों के समान रहे, जिससे वो बातों में जो परमेश्वर ने शपथ लेती है एक दयालु और विश्वासियों के महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हर चीज में मेरे समान बन गया, हर चीज में, हर तरह की दुख, हर तरह की परेशानी, हर तरह की तकलीफ, हर तरह की कष्ट, हर तरह की क्रैश, हर तरह की दुख दर्द, सब चीज में मेरे समान कर बैठा। ऐसे करते तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होता है, बहुत सारे अस्त्र लोग, बहुत सारे शिक्षक लोग सोचते थे ऐसा फेर ही नहीं सकता, ऐसे कैसे दुर्बल हो सकता, ऐसे कैसे बीमार हो सकता, ऐसे कैसे ऐसा हो सकता, ऐसे कैसे वैसा हो सकता, उस पर होने की कोई जरूरी नहीं था। बारह पाप को चुड़ाने के लिए बारह पाप का जगह लिया हो, इस बारह पाप को चुड़ाने के लिए उसने मेरा जगह लिया है। मेरा दर्द, मेरा संकट, मेरी परीक्षाएं, मेरे तकलीफ, मेरे परेशानियां, मेरे लड़ाइयां, सब कुछ खुद सहा हमें। इसलिए और विश्वास युवक के महाराजा को बन कर रहे हो, हमें सहाय का सिखा परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता जिसकी परीक्षा होती है। अगर वो आराध्य में से कृष्ण ने ले गया, ले जाया गया, आपको मेरी तरह कार्यक्रम का दुख का अधिक हो, उसने खुद को सब दिया, उसने मुझको पूर्णता में वो स्वतंत्र कर सकता हमें। इसलिए उसने कहा कि अगर पुत्र तुझे स्वतंत्र करता तो स्वतंत्र हो जाए, इसलिए वो बंदी गर्मी से वो क्या है अमीर, वो काराग्रह से वो क्या है, वो बंधन में फंसा गया था, वो दुश्मन के हाथ में सौंप दिया गया था, जिसके कारण वो पूरा पूरा मेरा उद्धार बन सकता, वो पूर्णता में स्वतंत्रता पा सकता। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर आगे बढ़ने की रुचि नहीं, प्रभु से आगे बढ़ेगी, वो भी वचन लिखा है नहीं, नहीं लिखा है तो बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। अब काशी वचन में आ गए तो हम निश्वर अध्याय से ये सब पढ़ते हैं कि हम निश्वर का इक्कीस पढ़ता है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं उनकी सेना को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए दिखा। उसके पहले का बात करो, राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का मांस और सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाने के लिए प्रभु बुलाता है। ये न्याय करने वाली बात है, जिसने मुझको बंदी बनाया उसको बंदी करने वाली बात है, जिसने मुझको सताया उसको सताने वाली बात है। सारे राजाओं को हाथों को सबको सबको पकड़ के अबे उनको उसको फेंक देता, वो पशु और उसके साथ में झूठा भविष्य तत्ता पकड़ा गया, विश्व वचन में पकड़ा वो पशु और वो भविष्य तत्ता पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, जिसको उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाई जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की चाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों की ही आग की झील में दम तक चलती हुई उठा गई, ऐसे बंदी कर गए उसने ये झूठा भविष्य तत्ता को और वो पशु को धर दिया, बंदी घर उनके लिए बनाया है। इसे हो सकता है बंदी घर मेरे लिए नहीं है, बंदी घर उनके लिए है, कायाग्रह दुश्मन के लिए है, आपके लिए नहीं है। इसलिए विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं, हमारे बंदर भी नहीं बनेंगे, वो आप शैतान को कैसे हो वो बंदी घर में डाल देता
इस अध्याय के नौवां वचन में दसवां वचन में इसे कहता है उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस चील में जिसमें वो पशु और झूठे मनुष्य तक कभी होगा डाल दिया जाएगा। आनंद शैतान के लिए है बंदी कर, दुश्मन के लिए है बंदी कर, मेरे लिए नहीं है, मैं उसमें मेरा नहीं चाहता। ये पता है जो मेरे आत्मा को बंदी कर से बाहर ले आ, आराधना से करे, दुश्मन हिल जाए, शत्रु बल गति हो जाए, विनामी बिक जाए, आगे स्वतंत्र नाम आगे बढ़े, अनेक लोग तेरी महिमा को देख के और मेरे चार मेरे पीछे हो जाए। परमेश्वर को धन्यवाद कहिए, परमेश्वर को वचन को अपनाइए और कोई भी एक व्यक्ति कब सकते हैं मेरे वचन को अपनाते हुए सारे मंडली के प्रभु के हाथ में सर तो हुए प्रार्थना।